आतिश हुस्न से कुछ गम नहीं जल जाने का, आतिश हुस्न से कुछ गम नहीं जल जाने का, हौसला मैंने भी यही देखा है परवाने का। और इश्क में जिसको भी मंजिल की तलब होती है, इश्क में जिसको भी मंजिल की तलब होती है, रास्ता ढूंढ ही लेता है सनम खाने का। आदाबर साहब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत और आप देख रहे हैं उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे दोस्त अच्छे होंगे और खुश होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकबाल की मशहूर नज्म जिब्राइल और इबलीस पे, जो कि एक मकालमा है और जो कि बहुत ही खूबसूरत नज्म है, बाली जिब्राइल में शामिल है। तो आइए वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं। दोस्तों ये नज्म है और नज्म पे आ गए हैं, मैं रेख्ता से पढ़ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं बाली जिब्राइल की नज्म है और बाली जिब्राइल तकरीबन 1935 ईस्वी में शाये हुई थी। इकबाल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और मुख्तसर मैं ये बताऊं कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने फलसफा के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, आलमी शोहरत याफ्ता है, यानी कि सिर्फ इंडिया में आलमी शोहरत याफ्ता है और बड़े पाए के फलसफी हैं। तो इकबाल का कमाल है कि उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई जिब्राइल और इबलीस आपस में बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, हमने आपने तो नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि खूबसूरत नज्म की शक्ल में हमारे सामने ला के रखा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया कि मकालमा है, जिब्राइल और इबलीस आपस में बात करते हैं। तो देखिए क्या बात करते हैं, ये जिब्राइल कह रहा है, ऊपर जिब्राइल कह रहा है क्या कि हम दमे देरी ना कैसा है जहाने रंगो बू। हम दमे दरीना किसको कहते हैं कि भाई, हम दमे दरीना से मतलब है कि फ्रेंड, दोस्त। जाहिर आपको मालूम है कि जो शैतान है जिसको इबलीस कहा गया है, तो इबलीस लकब है, नाम नहीं है इनका, नाम अजाजील या और कुछ है। तो जो है वो फरिश्तों का सरदार हुआ करता था, चीफ हुआ करता था फरिश्तों का। तो जो है, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है एक बहुत ही मशहूर और बड़ा फरिश्ता है। तो कहा गया कि हमदमे दरीना आए साथ में रहने वाले दोस्त, कैसा है जहाने रंगो बू, दुनिया वाले तुमको भेज दिया गया है, दुनिया का रंगो बू, जहान का रंगो बू कैसा है। तो इबलीस जवाब देता है, देखिए क्या जवाब देता है, कहता है कि सोजो साजो दर्दो दागो जुस्तुजुओ आरजू, सोजो साजो दर्दो दागो जुस्तुजुओ आरजू। सोज जानते हैं आप किसको कहता है, दर्द को कहता है, साज कहते हैं खुशी को, सोज गम को, साज खुशी को, दर्द तो दर्द ही है, दाग भी दाग ही है। दाग यानी कोई जख्म है आपके, जख्म हुआ था, कोई जख्म दिया था किसी ने, कोई जुल्म हुआ था, उस दाग से ये मुराद है। ये नहीं कि कोई फितरी तौर पर जो कहीं कट फट गया, इंसान का जख्म हो गया तो वो दाग। जब आपके ऊपर कोई गम आता है, कोई परेशानी आती है, 5 साल 10 साल पहले भी, तो उसका नक्श जो है आपके दिलो दिमाग पे होता है, तो उस नक्श को यहां दाग कहा गया है। तो सोजो साजो दर्दो दागो जुस्तुजू आरजू, जुस्तुजू जानते ही, आरजू कोई नई नया लफ्ज नहीं है आपके लिए। अब देखिए जिब्राइल क्या कहता है उनको। अब ये सुनने के बाद जब इबलीस कहता है कि भाई दुनिया में तो सब कुछ है, सोज है, साज है, दर्द, गम, खुशी, परेशानी, राहत, सब कुछ है यहाँ दुनिया में, तो जिब्रील क्या जवाब देता है, जिब्रील क्या कहता है, देखिए हर घड़ी इसमें सवाल जिब्रील कहता कर रहा है और जवाब देता है इबलीस, जवाब देता है। तो यहाँ पे जिब्रील उनको कहता है, देखिए क्या कहता है, हर घड़ी अफलाक पर रहती है तेरी गुफ्तगू, क्या नहीं मुमकिन कि तेरा चाक दामन हो रफू। तो अफलाक, फलक की जब अफलाक जिसको आसमान कहते हैं, तो आसमानों पर, तो हर घड़ी जो है, हर घड़ी आसमानों पर तुम्हारी गुफ्तगू रहती है, हम लोग तुम्हारा चर्चा करते हैं कि भाई जो है वो चला गया, गलती कर दिया तो उसको दुनिया में भेज दिया, तो हम लोग तुम्हारा जिक्र करते हैं, तुम्हारा चर्चा करते हैं, तुम्हारा गुफ्तगू करते हैं। क्या यह मुमकिन नहीं है कि तेरा चाक दामन हो रफू। चाक दामन रफू होने से मतलब यह है कि आप अल्लाह पाक से जो है माफी तलाफी कर लीजिए, सॉरी बोल दीजिए अल्लाह पाक को, बोल दीजिए कि अल्लाह पाक हमें माफ कर दीजिए, अल्लाह पाक गफूर रहीम है, तो जो है वो जो है माफ कर देगा आपको, आप माफी तो मांग लीजिए। तब इसमें एक बात याद है कि मैं बताता हूं, कोई अल्लाह के वली थे तो उन्होंने भी शैतान से मिलकर यही कहा था, शैतान से यही कहा था, एक काम करो ना तुम जो है अल्लाह पाक से माफी मांग लो, अल्लाह पाक तो माफ करने वाले हैं, तो जो वो तुमको माफ कर देंगे। तो अल्लाह पाक को कहा गया ठीक है। तो जो नबी थे, प्रॉफिट थे, अब मैं एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो या ईसा अलैहिस्सलाम, इन दोनों में से कोई एक है। तो वो गया अल्लाह पाक के पास कि अल्लाह पाक इबलीस को माफ़ कर दीजिए, मेरी मुलाकात हुई थी, तो आप उसको माफ़ कर दीजिए, बहुत आपने उनको परिश कर दिया है। तो अल्लाह पाक कहते हैं कि ठीक है, अभी मेरा वही हुक्म है, वो आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाकर उनको सजदा कर ले तो हम उनको माफ़ कर देंगे। उस वक्त उन्होंने नहीं किया, और अभी जाए कब्र पर सजदा कर ले उनके, तो हम जो है हम ये मानेंगे कि उन्होंने मेरा हुक्म माना, तो हम उनको माफ़ कर देंगे। तो बड़ा खुश होकर के वो आए और बुलाया इबलीस को, कह रहे यार तुम्हारे लिए तो रास्ता निकल गया है, अल्लाह पाक ने एक रास्ता निकाल दिया तुम्हारे लिए, अब तो तुम्हारी बख्शिश हो सकती है, तुम वापस से फरिश्तों के जो है फरिश्तों के सरदार हो सकते हो, फरिश्तों का चीफ हो सकते हो। तो इबलीस कहता है अच्छा बताइए क्या रास्ता है, तो कहता है कि हाँ अल्लाह पाक का ये हुक्म है कि तुम जो है आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाकर के उनको सजदा कर लो।
तो कहता है कि भाई क्या बात कर रहे हैं आप, अल्लाह के नबी होकर के आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे जब मैंने उनको जिंदा में सजदा नहीं किया तब क्या मरे हुए मुझे कब्र में सजदा करेंगे। तो इसीलिए इबलीस इबलीस है, इसीलिए इबलीस इबलीस है, वो आखिरी टेढ़ा है। तो अल्लाह पाक हम सबको इबलीस मर्दूद से बचाए, क्योंकि उनका जो फितना है ना बहुत ही जबरदस्त होता है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है दोस्तों। और तो आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि देखिए अब इब्लीस क्या जवाब देता है इसको, वही बात हो रही है यहाँ पे। जिब्रील जब कहता है कि भाई तुम अल्लाह पाक से माफी मांग लो, माफ कर देंगे, तो देखिए इब्लीस क्या जवाब देता है। कहता आह ऐ जिब्रील तू वाकिफ नहीं इस राज से, कर गया सर मस्त मुझको टूट कर मेरा सबू। ठीक है, तो कह रहा है आह ऐ जिब्रील तुमको ये राज जो है ना वाकिफ नहीं है, तुम इस राज से वाकिफ नहीं हो कि कर गया सर मस्त मुझको टूट कर मेरा सबू। सबू कहते हैं उस बर्तन को, गिलास को, जिसमें कि हम शराब पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबू से मुराद दुनियावी शराब नहीं, बल्कि वो इनायत करम और मोहब्बत का शराब है जो कि अल्लाह पाक पिलाया करते थे जिब्रील इनको, इब्लीस को, जब ये आसमान में फरिश्तों का सरदार हुआ करता था। तो कह रहा है वो जो सबू टूट गया, जो अल्लाह करम इनायत और मेहरबानी थी मेरे ऊपर, वो जो टूट गया तो उससे क्या हो गया कि मैं सर मस्त हो गया, मैं क्या हो गया सर मस्त हो गया। तो कह रहा है कि कर गया सरमस्त मुझको टूट कर मेरा सबू, अब यहां मेरी गुजर मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं, किस कदर खामोश है ये आलम बेकाखुकु। तो अब कहा गया कि भाई किस कदर खामोश है कि आसमान की जो दुनिया, ये यहां आया आसमान के लिए कि अब यहां, यहां जो है आसमान, तो अब जो है आसमान पर मेरी गुजर मुमकिन नहीं है कि आसमान कितना खामोश है और दुनिया में कितना हंगामा बढ़ता है। यह आलम बेकाखुकू उसको कहा जाता है, काख कहते हैं कि पिलर को, आसमान बगैर पिलर का है ना, उसमें कोई पाया नहीं है, तो इसीलिए कहा गया यह आलम बेकाखुकू। तो किस कदर खामोश है ये आलम बेकाखुकू, ये जो आलम है जो कि बगैर पाए का है और ये जो है बिल्कुल खामोश है। जाहिर आसमान की दुनिया बिल्कुल खामोश है, वहां तो कोई हलचल नहीं है, हलचल तो जमीन पर ही है। अब देखिए यहाँ पे, जिसकी नौमीदी से हो सोजे दरूने कायनात, उसके हक में तकनतु अच्छा है याला तकनतु। ठीक है, जिसकी नौमीदी से हो सोजे दरूने कायनात, दरून कहते हैं कि अंदर को, अंदर के हिस्से को, तो जिसकी नौमीदी से हो सोज, सोज किसको कहते हैं, अब ऊपर भी आया था सोज का मतलब होता है गम, परेशानी, दर्द, कि जिसकी नौमीदी, मेरी नौमीदी, अगर मैं अल्लाह पाक से नाउमीद हो गया हूँ भाई वो मुझे माफ नहीं करेंगे, तो मेरी नौमीदी से क्या है, दरूने कायनात यानी कायनात के अंदर का हिस्सा क्या है, परेशान है, गम में है, दर्द में है। बिल्कुल है, दुनिया में जो भी परेशानी आती है, जो भी दर्द और जिस तरह की भी चीजें होती, जो हंगामा बढ़पा होता है, इंसान को गलत रास्ते पर कौन लेके जाता है, शैतानी तो लेके जाता है, शैतानी लेके जाता है ना। अगर शैतान ना हो, कोई वसवसा, कोई इस तरह से ना भटकाए, तो इंसान गलत काम करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्यों करेगा। तो कह रहा है कि भाई मेरी नाउमीदी से ही इस दुनिया में, इस कायनात में जो है, जो एक हंगामा बढ़ पाए, सोच से मुराद यहाँ पे जो गम है, जो दर्द है, इंसान जो है गुनाह करके परेशान होता है, तो जो मतलब गमगीन होता है, नादिम होता है, शर्मिंदा होता है, तो ये सारी चीजें जो है मेरे वजह से, उसके हक में तकनतु अच्छा है या ला तकनतु, तो उनके हक में तो ला तकनतु ही अच्छा है। तकनतु का मतलब होता है माफ कर देना, मतलब उम्मीद, उम्मीद रखना, और ला तकनतु उम्मीद नहीं रखना, माफी की उम्मीद नहीं रखना। ठीक है, तो कह रहा है जिब्रील कि अगर मैं नाउमीद हो रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि मेरे वजह से इस दुनिया में हंगामा बढ़ पा है, और अगर मैं पूर्व उम्मीद हो जाऊं, अल्लाह पाक मुझे माफ कर देंगे इसका मैं उम्मीद रखूं और पूर्व उम्मीद हो जाऊं, तो फिर क्या हो जाएगा, तो इसमें मुझे मजा नहीं आएगा, मेरे वजह से कोई हंगामा बढ़पा नहीं होगा। अभी मैं ला तकनतु की हालत में हूं, यानी कि नाउमीदी की हालत में हूं, तो मेरे वजह से हंगामा बढ़ पा है, तो मेरे वजह से कुछ बढ़पा है, तो यही मेरे लिए अच्छा है ना। देखिए जिब्रील क्या कहता है उनकी बात सुनकर के, कह रहा है कि खो दिए इनकार से तूने मकामाते बुलंद, चश्मे यजदा में फरिश्तों की रही क्या आबरू। यजदा खुदा से मंसूब है, खुदा की तरफ, खुदा का नाम है, तो खो दिए इनकार से, कह रहा है तुमने इनकार करके जो बहुत बड़ा मकाम को, बहुत बड़े पोजिशन को खो दिया, जैसे मैंने ऊपर बताया कि फरिश्तों का चीफ था ये, तो चश्मे यजदा, चश्मे कहते हैं आंख को, चश्मे यजदा में फरिश्तों की रही क्या, तो फरिश्तों की कोई आबरू नहीं रही, फरिश्तों को जो है तुमने जलील कर दिया। जाहिर सी बात है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई ऐसी कमेटी हो, उसका चीफ ही अगर करप्ट निकल जाए तो वो पूरा इदारा बदनाम होता है, वो पूरा इदारा ही बदनाम होता है। तो कह रहा है भाई अल्लाह पाक की नजर में, चश्मा को कहते हैं अल्लाह पाक की नजर में, तो यही ना हुआ कि तुमने जो है फरिश्तों को बेआबरू कर दिया, फरिश्तों की कोई आबरू नहीं है तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलती की वजह से। अगर तुम गलती नहीं करता, अगर तुम अल्लाह पाक का हुक्म मांग लेता, तो फरिश्तों की भी इज्जत होती है, कहा भाई फरिश्तों की ये जो जमात है इसका चीफ बहुत ही फरमा बरदार है। अब जब चीफ ही फरमा बरदार नहीं रहा, तो चीफ के नीचे जितने भी हैं फरिश्ते, तो वो सब उसी कैटेगरी में आ गए कि भाई इन्होंने जो ऐसा किया।
तो अब देखिए ये सुनकर इब्लीस क्या जवाब देता है, कहता है मेरे जोड़स से मुश्ते खाक में जौके नमू मेरे फितने जाम आए अकलो खिरत का तारुपू। अब इब्लीस तो इब्लीस है, इब्लीस के जैसा ही बात करेगा ना, इब्लीस इब्लीस के जैसा ही बात करेगा। तो कह रहा है कि मेरे वजह से जो है मुश्ते खाक में जौके नमू है, जौके नमू, नमू कहते हैं बेदार होना। अब मुश्त खाक इंसान को कहा गया क्योंकि इंसान को अल्लाह पाक ने एक मुट्ठी मिट्टी से बनाया है। आप जानते हैं जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ तो बरसों पड़ा हुआ था, रिवायत में 2000 साल आता है, 2000 साल ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसको रूह नहीं फूका गया था, अल्लाह पाक ने नहीं फूका था। तो इब्लीस जो है ना रोज उसको देखता था, तो इब्लीस एक दिन उसके अंदर घुसा और देखा कि पूरा ये तो खोखला है और दिल के अंदर इंटर करना चाहा, तो दिल में इंटर नहीं हो सका, दिल सील्ड है, सील्ड जो है उसमें शैतान घुस ही नहीं पाया। तो वो बाहर निकल के बोल रहेगा है तो सब खोखला है लेकिन एक चीज है दिल, जो कि दिल में मैं नहीं घुस पाया, दिल बिल्कुल फुल्ली सील्ड है। तो दिल जो है अल्लाह का घर है और जहां अल्लाह का घर होता है वहां इब्लीस और शैतान का गुजर नहीं होता है। वसवसा शैतान हमारे दिमाग में डालता है कि भाई दिमाग ऐसा सोचता है कि भाई ये कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, वो कर देंगे वैसा हो जाएगा, किसी के ऊपर जुल्म सितम करना, किसी की बुराई सोचना, हम क्या सोचते, दिमाग सोचते हैं ना, दिमाग है सोचने के लिए। तो देखिए कह रहा है कि मेरे जो फितने हैं, बड़ा इतरा के कहता है कि भाई मैं तो यही खुश हूं दुनिया में और मेरे वजह से जो है इंसानों के अंदर जौक, तो जौक ही जानते हैं ख्वाहिश, जौक के नमू है, नमू से मतलब होता है खूब से खूब तर की तलाश, इंसान के अंदर ये ख्वाहिश है कि भाई खूब से खूब तर हो, ख्वाहिश नवाहिश आराम हो, पूरा जो जिंदगी है इंसान की, तो वो जो जौक नमू है वो मेरे वजह से है, ठीक है, मैं उसको लालच देता हूँ दुनिया की, मैं उसको दुनिया की मोहब्बत जो है उसके दिल दिमाग में डालता हूँ, वसवसे के जरिया जो है मैं उनको दुनिया की तरफ मायल करता हूँ, तो ये शौके नमू जो है मेरे वजह से है। नमू यानी नमोदार होना, जाहिर होना, मेरे फितना, मेरा जो फितना है वो जामा है अकलो खिरत का तारुप, मेरा जो फितना है वो इंसान के अकलो खिरत, अकल आप जानते हैं और खिरत भी दानिशमंदी कहते हैं, विजडम को कहते हैं, तो उसमें ऐसे लिपटा हुआ है जैसे किसी वायर में आप, किसी रड में आप कोई वायर को आसानी से लपेट सकते हैं, कोई रड है उसमें कोई वायर लाइए आप उसको आप लपेट सकते हैं आसानी से, तो उसी तरह से मेरे जो फितने हैं इंसान के अकलो खिरत में लिपटा हुआ है। बात भी सही है, देखता है तू फकत साहिल से रज़्म खैर और शर, उनको कह रहा है जिब्रील को कह रहा है कि तुम क्या हो, तुम तो बस किनारे से देख रहे हो कि भाई दुनिया में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, क्या खैर और शर हो रहा है, खैर कहते हैं भलाई को, शर कहते हैं बुराई को, तो ये जो है भलाई बुराई जो भी दुनिया में हो रहा है उसको तुम देख रहे हो और तो तुम्हारा कुछ काम नहीं है, कौन तूफान के तमाचे खा रहा है, मैं के तू, कह रहा है कि तूफान के तमाचे कौन खा रहा है, मैं के तू, तू ही तो खा रहा है क्योंकि गम है खुशी, इंसानों की दुनिया में क्या है, गम है खुशी है, कोई खुशी आती है फिर कोई गम आता है उसके बाद, तो ये जो तूफान का जो तमाचा इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ऊपर में जो है दरिया इस्तेमाल हुआ है। देखता है तू फकत साहिल से रज़्म खैर, कौन तूफान के तमाचे खा रहा है, ये तूफान समंदर के तूफान की बात हो रही है, समंदर में जो तूफान आता है उस तूफान की बात हो रही, तो आप जानते हैं समंदर में तूफान आता है किनारे पर लहर बहुत तेज आता है, तो कह रहा है कि तूफान के तमाचे कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूं या तुम खा रहे हो, और आगे देखिए खिज्र भी बेदस्तोपा इलियास भी बेदस्तोपा, मेरे तूफान यम बयम दरिया बदरिया जू बजू। खिज्र अलैहिस्सलाम से आप वाकिफ होंगे, खिज्र अलैहिस्सलाम जो है मतलब हमेशा क़यामत तक जिंदा रहेंगे और वो जो है भटके हुए, रास्ता भटके हुए लोगों को रास्ता बताते हैं अलग अलग शक्ल सूरत में आकर। तो खिज्र को कहा गया कि मेरे जो तूफान है ऐसे, मेरे जो फितना ऐसा है उसको खिज्र अलैहिस्सलाम भी जो है जिसको मैं भटका देता हूँ, जिसको जो मेरे फितने का शिकार हो जाता है उसको खिज्र अलैहिस्सलाम भी राह रास्त पर नहीं ला सकता है, वो भी बेदस्तो पा हो जाता है, दस्त कहते हैं हाथ को, पा कहते हैं पैर को, तो वो भी जो है बेदस्तो पा हो जाता है, मेरे भटकाए हुए लोगों को खिज्र अलैहिस्सलाम भी काम नहीं आता है, खिज्र अलैहिस्सलाम भी रास्ते पर नहीं लाता है। इलियास भी बेदस्तो पा, इलियास अलैहिस्सलाम यही प्रॉफिट है, इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि समंदर में जो रास्ता भटक जाता है, तो खुशकी पर जो रास्ता भटकता है उसको खिज्र अलैहिस्सलाम, और जो समंदर में रास्ता भटक जाता है उसको इलियास अलैहिस्सलाम जो है रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है खिज्र भी बेदस्तो पा, इलियास भी बेदस्तो, मैं जिस पर जो फितना डालता हूँ उसको खिज्र अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम भी जो है नहीं ठीक कर सकते, राय रास्ते पर नहीं लाते हैं। और कहा गया मेरे तूफान ऐसे हैं कि यम बयम दरिया बदरिया जू बजू, हर जगह समंदर में, समंदर में खुश्की पर दरिया में हर जगह जो है यम बयम है, रावा दवा है मेरा, मेरा फितना। अब यह तूफान आया है मेरे तूफान, यानी कि वही मतलब हुआ जो फितना शैतान डालता है, वसवसा डालता है, उसी को यहाँ पे तूफान कहा गया। घर कभी खलवत मयसर हो तो पूछ अल्लाह से, अब ये कह रहा है इब्लीस कि भाई कभी खलवत यानी तन्हाई कहते हैं कि भाई अकेले में अल्लाह पाक से पूछो, क्या पूछो, किस साया आदम को रंगी कर गया किसका लहू,
कि अगर मेरी गलती नहीं होती तो फिर जो है आदम अलैहिस्सलाम को जो है जन्नत में ही रहते वो, मैंने उनको भटकाया, मैंने उनको जो है उस पेड़ का उस पौधे का जो है फल खिलाया, जौ खाता है शायद, तो वो जो है जन्नत में मैंने उस पेड़ के पास ले गया, उसका फल खिलाया, तो मेरे वजह से ही तो हुआ है ना, मेरे वजह से ही हुआ है। किस्सा है आदम को रंगी कर गया किसका लहू, कि अगर मैं नहीं भटकाता आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में ही रहते, इंसानी नस्ल भी नहीं चल रही होती, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में, ऐसे ही जो जिन्नात और वैसे लोग थे, वैसे मखलूक थे, तो वही आबाद होता है। तो किस्सा है आदम को किसका लहू ने रंगी किया, मैंने अपना लहू दिया, लहू से मतलब ये हुआ कि मैंने अपना पूरी इबादत और रियाजत जो है खत्म करके अल्लाह की नाफरमानी को मोल लिया, तब जाकर के किस्सा है आदम का लहू जो है, किस्सा है आदम की जो जिंदगी वो रंगीन हुई है। किस्सा है आदम को रंगीन कर गया किसका, आदम का जो किस्सा शुरू हुआ, अरे इब्लीस ऐसा नहीं करता तो आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा ही शुरू नहीं होता। मैं खटकता हूं दिले यजदा में कांटे की तरह, जाहिर है कि इब्लीस ही खटकता है, शैतान ही खटकता है हर किसी के दिल में कांटे की तरह, कि भाई हम कुछ करेंगे तो शैतान हमें भटका सकता है, या कि हम बावजू रहें, या कि हम जो रोजा नमाज करते रहें, नेकी का काम करते रहें, ताकि इब्लीस का जो जोर और पकड़ है मेरे ऊपर, जो गिरफ्त है वो कम पड़ जाए। तो हर दिल में जो है शैतान खटकता कहता है ना, वो जो है शैतान से ज्यादा मशहूर है, यही बात बोलता है भाई शैतान बहुत मशहूर है। तो मैं खटकता हूं दिले यजदा में कांटे की तरह, तू फकत अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ठीक है, तो तुम तो आसमान में बस अल्लाह अल्लाह करते हो, जाहिर फरिश्ते गलत नहीं कर सकते, उनके अंदर नफ्स नहीं है कि वो कोई गलत काम करे, वो जब भी करेगा तो वो सही काम करेगा, वो होता है ना रोबोट टाइप, जो आपने कमांड डाल दिया वही वो कर रहा है, उसी टाइप का मखलूक आपने सॉरी आपने जो कमांड डाल दिया, कंप्यूटर में प्रिंट का कमांड डालते हैं तो प्रिंट कर दिया, जो भी आप कमांड डालें, कट का कमांड डाले कट कर दिया, पेस्ट का कमांड डाले पेस्ट कर दिया, उसी टाइप से होता है, जो कमांड डाल दिया गया बस वैसा ही। लेकिन इंसान में ऐसा नहीं है, इंसान के पास ऑप्शन है कि आप सही रास्ते पर चलिए या गलत रास्ते पर, दो ऑप्शन है, आप इधर मन आप उधर चलिए, और आपको सोचने समझने अकल समझ फहम और शऊर दे दिया है और छोड़ दिया है, आप करिए जैसा करना चाहते हैं, बाद में आपका रिजल्ट हम देखेंगे। और एक आध चीज़ों का रिजल्ट दुनिया में भी एक टेलर चला देते हैं, अगर आप बहुत जुल्म करेंगे किसी के ऊपर तो फिर आपको दुनिया में भी थोड़ी बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि जुल्म की जो सजा है ना दुनिया में मिलती है और आखिरत में तो मिलना ही है मिलना है। कुछ ऐसे हैं गलत काम जिसकी सजा दुनिया में मिलती है और आखिरत में तो है ही, दुनिया में टेलर मिलता है, दुनिया की सजा तो आदमी काट ही लेता है ना। तो देखिए मैं खटकता हूँ ये हो गया, तू फकत अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो ये है कि यही नज्म थी और जिब्रील और इबलीस का कन्वर्सेशन है इसमें, दोनों बातचीत करता है, क्या बातचीत करता है, कैसे बातचीत करता है, उसी बात को इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नज्म में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। यही नज्म थी और आएगा एग्जाम में खुलासा लिखने के लिए, कहेगा जिब्रील और इबलीस के का तनकीदी जायजा लिखिए या खुलासा लिखिए, या जिब्रील और इबलीस में क्या मकालमा होता है उनको अपनी जबान में लिखिए, अपनी जबान में लिखिए। तो अब यहाँ से जो है आपको उसी तरह से लिखना है और बीच बीच में एक आध शेर भी आप याद रखिएगा इससे, क्योंकि अगर आपने अगर खुलासा पूछ दिया या जैसे भी पूछा, अगर आपने एक भी शेर नहीं डाला है तो आपको कम मार्क्स आएगा, आपको कम मार्क्स आएगा अगर आपने कोई भी शेर नहीं डाला, यहीं अगर दो तीन शेर दे दिए तो फिर आपको मजा आ जाएगा एग्जाम में, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो चलिए दोस्तों ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।